भारतीय जनता पार्टी का एक और कारतून कश्मीर में दरिंदगी का शिकार हो गया। उसने भारत माता और तिरंगा के लिए शहादत दे दी, उसकी शहादत कबूल हो। आया सिर्फ दहशतगर्द ही ये घिनौना काम कर रहे हैं? क्या इसके पीछे कुछ और भी साजिश हो सकती है? भारतीय जनता पार्टी के कारतून अपने लोगों के साथ किए हुए वादे को पूरा करने के लिए उनके बीच में रहकर काम कर रहे हैं, लेकिन ये उन लोगों को पसंद नहीं जो कि कश्मीर के अंदर पॉलिटिकल प्रोसेस को दोबारा रिवाइव करने नहीं देना चाहते। ये ताकतें चाहती हैं कि लोगों और पॉलिटिकल कारतूनों के बीच में जो गैप है वो दिन ब दिन बढ़ता जाए। उन्हें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कारतून शायद उनकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। मुझे डर है कि ऐसी ताकतें जो कि घाटी के अंदर हैं और वो ये चाहती हैं कि कश्मीर के अंदर पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू ना हो, और खासकर वो लोग जो कि ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी के खिलाफ थे, जिन्होंने पंचायत राज इलेक्शंस का बायकॉट किया था, कहीं वो लोग इस घिनौनी हरकतों के पीछे तो नहीं है? मैं एलजी साहब और उनके एडमिनिस्ट्रेशन से पुरजोर अपील करता हूं कि इसके बारे में डिटेल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हम कब तक भारतीय जनता पार्टी के कारतूनों को खोते रहेंगे? हमें यह कतई मंजूर नहीं है। यहां तक अब्दुल हमीद नाजर का सवाल है, मैं उसकी शहादत को सलाम करता हूं। मैं साथ ही साथ उसे यकीन दिलाना चाहता हूं कि उनकी शहादत बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाएगी। भारतीय जनता पार्टी जब तक ऐसे लोगों का जो कि राष्ट्रवादी नहीं है उनका खात्मा नहीं कर देती कश्मीर से, तब तक भारतीय जनता पार्टी का आखिरी कारतून सांस नहीं लेगा। हम इस बात का प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम अपने साथियों की शहादत का बदला लेंगे और कश्मीर के अंदर तिरंगे को हमेशा लहराते रहेंगे।